नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, इम्पेरिकल इक्वेशंस। ठीक है, वैसे तो ये इम्पेरिकल इक्वेशन, इसको आप बोल सकते हो इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये पूरा इम्पेरिकल ही है, सब प्रैक्टिकल डाटा से लिया गया है ना। तो पहले हम देखेंगे पेनमैन इक्वेशन, इसी में देखेंगे पेनमैन इक्वेशन। ठीक है, पेनमैन इक्वेशन से हम पीईटी निकालते हैं। पीईटी क्या था? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए एच एन प्लस ई गामा अपॉन ई प्लस गामा, सॉरी ए प्लस गामा, इसको ई ए लिख लो। ठीक है, अब इसमें ए क्या है? ए मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था जब हम एनर्जी पढ़ रहे थे, है ना, या हमने जब सेचुरेशन वेपर प्रेशर का डायग्राम वो बनाया था टेबल, तो उसमें मैंने बताया था ए क्या होता है। ए होता है सेचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो उसकी स्लोप आती है उसको हम बोलते हैं ए। ठीक है, तो ए क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन सेचुरेटेड वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, उसका टेबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले सेशंस में, है ना। एच एन क्या है? नेट हीट रेडिएशन, ये भी बताया था मैंने एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे एनर्जी बजट मेथड। ई ए क्या होता है? ई ए एक पैरामीटर है जो कि डिपेंड करता है विंड वेलोसिटी और सेचुरेटेड वेपर प्रेशर पे। ठीक है, तो ई ए का अपना भी एक फॉर्मूला है कि आप ई ए निकालोगे कैसे। तो ई ए इज इक्वल्स टू 0.35 वन प्लस यू टू अपॉन 160 इंटू ई डब्ल्यू माइनस ई ए। ठीक है, U2 क्या होगा? EW और EA पता है, EW मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ सेचुरेटेड वेपर प्रेशर को बोलते हैं हम, और EA क्या है? एक्चुअल वेपर प्रेशर। ठीक है, U2 है कि अगर दो मीटर ऊपर ग्राउंड से क्या है विंड वेलोसिटी, उसको हम बोलेंगे U2। U2 क्या है? विंड वेलोसिटी एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, और हम गामा को बोलेंगे, गामा इज साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट है, मतलब ये किसके कारण हो रहा है? सन के कारण, जिसकी वैल्यू होगी अराउंड 0.49 mm ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर है इसकी वैल्यू? अब हमको क्या ए निकालना आ गया? ए मैंने आपको वो टेबल दिया था उससे निकाल लेंगे हम ए, है ना। ई ए का मैंने फॉर्मूला दे दिया, गामा का भी एक वैल्यू दे दी मैंने कांस्टेंट। अब बचा एच एन, एच एन कैसे निकालोगे? नेट हीट रेडिएशन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, एच एन इज इक्वल्स टू एच ए ब्रैकेट वन माइनस आर, ये हमने देखा था कहाँ पे? एनर्जी बजट मेथड में देखा था, है ना। आर क्या होता था? रिफ्लेक्शन कांस्टेंट। अभी हम देखते हैं कौन कौन क्या है। ठीक है, इंटू ए प्लस बी इंटू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन माइनस, ये स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये हम इसको बोलेंगे बोल्ट्समैन कांस्टेंट। ठीक है, इंटू टी ए का पावर 4 0.56 माइनस 0.092 अंडर रूट ई ए। ई ए क्या है? ई ए यही है सेम, मीन एक्चुअल वेपर प्रेशर इंटू 0.10 प्लस 0.90 स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। ठीक है, तो इसमें एच ए क्या है? एच ए है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आउटसाइड द एटमोसफियर ऑन द हॉरिजोंटल सरफेस एक्सप्रेस्ड एज एम एम ऑफ इवोपरेबल वाटर पर डे। तो आप इसको समझ सकते हो एच ए क्या है, आइए टेबल में देख लेता हूँ मैं, टेबल में भी बता देते हैं आपको कि एच ए क्या है। चलिए, एच ए क्या है कि अलग अलग लैटिट्यूड होते हैं आपको पता है ना अर्थ के, उसमें सनलाइट अलग अलग पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग मंथ में भी अलग अलग टाइप का एनर्जी होती है सोलर के पास, है ना। तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर mm पर डे इवोपरेट करता है हर महीने डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड, उसका ये टेबल है। ठीक है, या तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर आपको के सुब्रमण्यम में मिल जाएगा ये टेबल नंबर 3.4। ठीक है,
और वो जो ए वाला टेबल था वो 3.3 था, मैंने पिछले लेक्चरों में आपको नोट करवाया था, वहां से भी देख सकते हैं या फिर के सुब्रमण्यम से भी नोट कर सकते हैं। तो एच ए समझ गए, एच ए क्या है, एच ए अलग अलग जो डिग्री है ना, या फिर एच ए नॉर्मल समझ सकते हो आप कि पर डे कितना पानी इवॉपरेट हो रहा है सन के कारण, सन का जो रेडिएशन हो रहा है उसके कारण कितना पानी इवॉपरेट हो रहा है, वो अलग अलग होगा हर मंथ के लिए और हर डिग्री पे, ठीक है। तो ये टेबल से आप एच ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ए क्या है, ए इज अ कॉन्स्टेंट डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, ए इज इक्वल्स टू 0.29 कॉस फाई, फाई क्या होगा जितने लैटिट्यूड पे वो होगा, है ना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी क्या है, ये भी एक कॉन्स्टेंट है विद द एवरेज वैल्यू ऑफ 0.52, तो बी की जगह आप 0.52 ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है एन, एन इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन इन आवर्स, ठीक है। मैं कैपिटल एन और एन आपको एक साथ समझाऊंगा, कैपिटल एन है मैक्सिमम पॉसिबल ब्राइट सनशाइन आवर्स, ठीक है। अब ये सनशाइन आवर्स क्या होता है, सनशाइन आवर्स मतलब सन, क्योंकि इवॉपरेशन किसके कारण हो रहा है, सन के कारण हो रहा है ना, तो सन कितने टाइम तक रहा, कितने घंटों तक रहा दिन में, मंथ में, ईयर में, उसको हम क्या बोलते हैं एन, एक्चुअल ड्यूरेशन। और कैपिटल एन क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल कितना रह सकता है, तो वो कैसे आएगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से। इसका भी एक टेबल हमने बनाया हुआ है, ये आपको के सुब्रमण्यम में मिल जाएगा 3.5 में, ठीक है। अलग अलग मंथ में अलग अलग डिग्रीज पे अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड्स पे क्या होगी मंथली वैल्यू ऑफ एन, मतलब एक मंथ में कितने घंटों के लिए सनशाइन आवर्स रहेंगे टोटल, ठीक है। चलिए इसका टेबल आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, बोल्ट्समैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.01 × 10⁻⁹ mm पर डे। टीए क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, मीन एयर टेम्परेचर कि उस टाइम पे एयर का क्या टेम्परेचर, ठीक है, किसमें चाहिए, केल्विन में, ठीक है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 से ऐड कर दोगे तो आप ऑब्वियसली उस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, ठीक है। ईए क्या है, ईए तो हम कल बहुत सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअल मीन वेपर प्रेशर इन द एयर, है ना। अब क्या बचा है हमारे पास, आर, आर मैंने क्या बताया था आपको, क्या है, रिफ्लेक्शन कांस्टेंट, या इसको अल्बेडो भी बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कांस्टेंट। हमने देखा था ना एनर्जी बजट में, जैसे ही सनशाइन सनलाइट पड़ती है किस पे, पानी पे, थोड़ी सी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है पानी के सरफेस के कारण, ठीक है। तो आर की वैल्यू डिपेंड करती है कि किस सरफेस पे सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो अगर वो क्लोज ग्राउंड क्रॉप्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो क्या होगी, आर की वैल्यू 0.15 से 0.25। अगर वो बेयर लैंड है, मतलब खाली लैंड है, कुछ नहीं है उसमें, ना क्रॉप्स है ना कुछ, तो होगा 0.5 से 0.45 डिपेंडिंग ऑन योर सॉइल। वाटर सरफेस है तो ये होगा 0.05, और अगर स्नो है तो ये होगा 0.45 से 0.95। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे, सारे टेबल क्लियर होंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। चलिए पेनमैन इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम एन एरिया नियर न्यू दिल्ली इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, नवंबर मंथ है, प्लेस है दिल्ली, बाय द पेनमैन फॉर्मूला। लैटिट्यूड भी दिया हुआ है आपको 28°4' नॉर्थ, एलिवेशन है 230 meters, मीन मंथली टेम्परेचर इज 19°C, मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 75%, मीन ऑब्जर्व्ड सनशाइन आवर इज 9 hours, ठीक है, विंड वेलोसिटी एट 2 meter हाइट इज 85 km/h, एंड नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस इज क्लोज्ड ग्रीन क्रॉप, है ना, ग्राउंड ग्रीन क्रॉप, ओके। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है हमको, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मीन मंथली टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ठीक है, चलिए अब आप गिवन डाटा एक साथ हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा U2, है ना,
इसकी हेल्प से हम आर निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से, ठीक है। 9 आवर्स क्या हो गया मेरा, स्मॉल एन, कैपिटल एन मैं किससे निकालूंगा, टेबल से, ठीक है। मंथली मीन टेम्परेचर दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए, पहले तो लिख लेते हैं फॉर्मूला। पीईटी क्या होता है, पेनमैन का फॉर्मूला, ए एच एन प्लस ई ए साइकोमेट्रिक कॉन्स्टेंट, ए प्लस साइकोमेट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब ए की वैल्यू गिवन है क्या मुझे, ए की वैल्यू मैं वो टेबल से निकाल सकता हूँ, है ना। तो 19 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं टेबल देखूंगा, आप भी देख सकते हो, मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था वो टेबल, तो आएगा आपका 1 mm पर डिग्री सेल्सियस, फॉर 19 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए देखेंगे हम, ठीक है। ए की वैल्यू वो आपको टेबल नंबर 3.3 में मिल जाएगी, किस कौन सी बुक में, के सुब्रमण्यम में, या मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो आप, उसमें आपको मिल जाएगा जब हमने इवापोरेशन देखा था, है ना, तब। चलिए ये हो गया आपकी ए की वैल्यू। अब क्या चाहिए मुझे, ई ए चाहिए। तो क्या ई ए इस गिवन डाटा से निकल सकता है, हाँ निकल सकता है आराम से। तो चलिए ई ए निकाल लेते हैं पहले, लेकिन ई ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल ई डब्ल्यू भी तो चाहिए, है ना। स्मॉल ई डब्ल्यू की वैल्यू भी मैं उसी 3.3 टेबल से देखूंगा, तो वो आएगी आपकी 16.5 mm ऑफ एच जी, ठीक है। अब मैं ई ए निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। ई ए निकाल सकता हूँ मैं, कैसे निकालूंगा ई ए, हमने पिछले उसमें देखा था, है ना। तो ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए की वैल्यू आएगी आपकी अराउंड, निकाल लेते हैं हम स्मॉल ई ए, स्मॉल ई ए इज 0.75 × 16.5, करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो ये आएगा आपका, देख लेते हैं हम कैलकुलेटर में करके, 0.75 × 16.5 ये आएगा 12.375, है ना। इसको ले लेते हैं हम 12.375, ठीक है। ये भी क्या होगा, mm ऑफ मर्क्यूरी एच जी, ठीक है। अब मेरे पास ई ए भी है, ई डब्ल्यू भी है, तो मैं ऑब्वियसली कैपिटल ई ए निकाल सकता हूँ, है ना। कैपिटल ई ए इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला हमारे पास, 0.35 × 36, है ना, देख लेंगे एक बार, 0.35 × 1 + U2 कितना दिया हुआ, 85, पहले से गिवन है, 160 × EW - EA। EW कितना है मेरा, EW है 16.5 माइनस EA कितना है मेरा, 12.375 जो अभी हमने निकाला है ना। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो EA की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, EA की वैल्यू आएगी आपकी अराउंड 0.35 × 1 + 85/160 × 16.5 - 12.375, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2.21, ठीक है। कितना आ रहा है, ये 2.21 mm पर डे, ठीक है। अब ये आ चुका है मेरा, है ना। कैपिटल ए भी है मेरे पास, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने लिखवाया था अभी आपको 0.49। अब क्या चाहिए हमको, ए गिवन है, हमको चाहिए एच एन, और एच एन का फॉर्मूला क्या होता है, एच एन का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, चलो तो अब उसके हिसाब से हम सबकी वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक है। तो एच ए की वैल्यू क्या होगी, टेबल में देख लेते हैं, ये था हमारा एच ए का टेबल, है ना, फॉर एच ए, है ना। इसका हमको कौन सा चाहिए, नवंबर मंथ का, हम किस लैटिट्यूड पे, हम आइए देखेंगे किस लैटिट्यूड में, हम 28 °4' नॉर्थ पे हम, है ना, टेबल भी नॉर्थ का है, 28 °, है ना, मतलब 20 और 30 के बीच में, मतलब वेरी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, 9.1 से 11.2 के बीच में, और वो भी 9.1 के
पास आनी चाहिए है ना, तो हम इसको इंटरपोलेट कर लेंगे, तो इंटरपोलेट करके आपको मिलेगी वैल्यू 9.506, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू मुझे किस टेबल से मिलेगी, एक टेबल बताया था मैंने ग्राउंड वाला है ना, तो यहाँ पे ग्राउंड कैसा है, ग्रीन क्रॉप है ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, 0.15 से 0.25, तो हम इसको ले लेते हैं 0.25, ठीक है। माइनस ये क्या बताया था मैंने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू थी हमारे पास, हमने ली थी 2.01 इंटू 10 to the power -9, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, टी ए क्या था, मीन टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर कितना है हमारा अभी, 19 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मुझे किस में चाहिए होता है, टी ए केल्विन में है ना, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 273 + 19 कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 291 है ना, 291 टी ए पावर 4 इंटू 0.56 - 0.092 अंडर रूट ई ए। ये ई ए की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, ये ई ए की वैल्यू क्या होगी बताओ, कौन सा ई ए लेंगे, ये ही वाला ई ए तो लेंगे, एक ही तो ई ए है, कितना है 12.375, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या बचा है मेरे पास, किसकी वैल्यू नहीं आ रही है मेरे को, अच्छा ये टर्म रह गया है मेरा, कौन सा, ये वाला टर्म है ना, चलो अभी इसको मिटा देते हैं, पहले हम ये वाला टर्म भी तो लिख लेते हैं, इनटू कितना था ए की वैल्यू, ए की वैल्यू देखी थी हमने, स्मॉल ए की वैल्यू थी, निकालना पड़ती थी है ना, साइड में निकालते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल ए की वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, 0.29 cos φ, फाई क्या होगा, लैटिट्यूड कितना है, 28 degree 4 minute, तो ए की वैल्यू आएगी मेरे पास अराउंड 0.2559, ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या थी, बी कांस्टेंट था, हमने बताया था 0.52 होती है बी की वैल्यू, चलो तो ए लिख लेते हैं पहले, ए कितना आ रहा है 0.2559 प्लस बी की वैल्यू थी 0.52, ठीक है। स्मॉल एन क्या होगा, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है 9 hours 9 upon, कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एन की वैल्यू निकालेंगे हम इस टेबल से, ठीक है। कैपिटल एन के लिए क्या किया था हमने, ये टेबल है ना, मैक्सिमम पॉसिबल क्या था, ये सनशाइन आवर्स, नवंबर कितना डिग्री, 20 से 30, तो किसके बीच वेरी करेगी, 10.6 से 11.2, वो भी 10.6 के पास आएगी क्योंकि 28 डिग्री सेल्सियस है ना, तो जब आप इसको इंटरपोलेट करोगे तो कैपिटल एन की वैल्यू आएगी 10.716, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं माइनस, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना था, 2.01 इंटू 10 to the power -9 इंटू 291 पावर 4 इंटू 0.56 - 0.092 अंडर रूट 12.375, ठीक है, इंटू यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं, इंटू 0.10 + 0.90, स्मॉल एन इज 9 एंड कैपिटल एन इज 10.716, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में जब पूरे इक्वेशन को, है ना, तो आपकी वैल्यू आएगी अराउंड 1.990 mm of mercury, तो इतनी मेहनत करने के बाद हमको क्या मिल गया, HN। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में सब कुछ है,
तो हम डायरेक्टली पीईटी निकाल लेते हैं सब कुछ रख के, ठीक है। ए कितना था, 1 था, इंटू 1.99 प्लस ये कितना था मेरा, ये हमने कैलकुलेट किया था ना, ये हमने कैलकुलेट किया था तो आया था 2.21 यहाँ पे, ठीक है, इंटू 0.49 अपॉन 1 प्लस 0.4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा आंसर 1.99 प्लस 2.0208, या 2.1 आया था हमारा, तो 2.1 इंटू 0.49 अपॉन 1.49, ये आएगा मेरा 206, ठीक है। कितना आ रहा है, 206 mm, 2.06 mm, ठीक है। तो कितना होगा इवेपोट्रांसपिरेशन, कितना होगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, आंसर क्या आएगा आपका, 2.06 mm, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं एक और, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरा प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी का डाटा है, बस इफ लेक इज सिचुएटेड इन दैट प्लेस, अगर उस जगह क्रॉप की जगह लेक होती तो कितना होता हमारा इवॉपरेशन पर डे या पीईटी, है ना। तो अब इस इक्वेशन में क्या चेंज करोगे आप, ये तो वही रहेगा, है ना, बाकी सब वही होगा, क्या चेंज होगा, एच एन। एच एन क्यों चेंज होगा, क्योंकि मेरा आर वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी, आर वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर वैल्यू मैंने आपको बताया था वाटर के लिए अलग होती है ना, ड्रॉप्स के लिए अलग होती है, तो वाटर के लिए कितनी होती है, 0.05। तो आप फिर से इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, अगर पहले से की रखी है तो यहाँ माइनस के बाद का टर्म आपके पास होगा पहले से, है ना, तो इस एच एन की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो एच एन की वैल्यू आ जाएगी 3.306 mm, ठीक है। पहले कितनी आ रही थी हमारी, पहली आ रही थी 1.99, अब ऑलमोस्ट डबल तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ 1.5 टाइम्स तो बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि ये पानी है इसलिए लेक हो गया है ना, इससे पहले क्या था, एक क्रॉप फील्ड थी, ठीक है। चलो अब एच एन की वैल्यू आ गई, अब सेम वही फॉर्मूला लगाना है हमको, क्या, पीई टी इज इक्वल्स टू एच एन प्लस साइकोमेट्रिक कांस्टेंट, साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट इंटू ई ए प्लस अपॉन ए प्लस साइकोमेट्रिक कॉन्स्टेंट, क्लियर है। ए की वैल्यू थी 1, एच एन की वैल्यू थी 3.306 प्लस साइक्रोमेट्रिक की वैल्यू थी 0.49 इंटू ई ए कितना था मेरा, ई ए था 2.21, ठीक है। सब कुछ सेम होगा क्योंकि डाटा सेम है, बस क्या चेंज हो गया हमारा, आर वैल्यू, ठीक है। चलो अपॉन 1 प्लस 0.49, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कुछ मेरा, देख लेते हैं, 1 इंटू 3.306 प्लस 0.49 इंटू 2.21 अपॉन 1.49, ये आ जाएगा मेरा 2.9455, तो अपन ले लेते हैं 5 mm पर डे, ठीक है। तो इक्वेशन सेम थी, मैं आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आपकी प्लेस चेंज होती जाएगी इवॉपरेशन भी चेंज होता जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, ब्रेनेक रिडल मेथड।